जीपीएल न्यूज हर खबर आपके साथ। सूर्य अर्घ एवं छठ व्रत करने से सुख समृद्धि एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। धूमधाम से छठ व्रत एवं भगवान भुवन भास्कर को संध्या अर्घ दान दिया गया। वैसे तो ये पर्व एक वर्ष में दो बार मनाया जाता है, एक कुवार माह में और दूसरा चैत्र मास में। चैत्र मास में छठ व्रत का एक विशेष महत्व होता है। कुवार मास में पड़ने वाले छठ व्रत व्रतियों के मौसम के अनुकूल रहता है। वहीं चैत मास में गर्मी की वजह से व्रतियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लू और गर्मी में भी छठ माँ एवं भुवन भास्कर के कृपा से व्रती बिना अन्न जल ग्रहण किए 24 घंटे के बाद ही अन्न जल ग्रहण करते हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत चैत्र शुक्ल पंचमी से आरंभ होकर चैत्र शुक्ल सप्तमी सुबह तक चलती है। पहले दिन शुद्ध घी से तला हुआ और सेधा नमक डालकर कद्दू की सब्जी और अरवा चावल में गुड़ डालकर रसियाव प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। पूजा के साथ उपवास शुरू होता है। इस दिन व्रत करने के बाद शाम को सूर्यास्त के समय पूजा के बाद रसियाव का भोग लगाकर उसका प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन यानी षष्ठी को अस्त होते हुए सूर्य को दूध और जल का अर्घ अर्पण करते हैं। अंत में सप्तमी के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर 3 दिनों का यह पूजा सम्पन्न होती है। इस व्रत का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चैत्र मास में भगवान भुवन भास्कर की पूजा विश्वान नाम से करनी चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान राम सूर्य के वंशज माने जाते हैं, क्योंकि उनका जन्म वैश्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी अपने कुल पुरुष सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए सूर्य और छठ का व्रत करते थे। महाभारत में कर्ण की उत्पत्ति भी भगवान सूर्य के आशीर्वाद से ही हुई थी। इस प्रकार वह भी सूर्य की उपासना कर अत्यंत ओजस्वी बन चुका था। पुराणों के अनुसार इस पूजा से सुख समृद्धि और पुत्र सुख की प्राप्ति के साथ साथ परलोक में भी विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। आज गोपालगंज के पुराने छठ घाट पर व्रतियों की भीड़ देखने को मिली। लोगों ने बताया कि यह छठ व्रत सदियों से चली आ रही है।
जननी मोरा जननी बीज जननी ताने चलले अमित सेवक धोती मोरा बीजतट धोती मोरा बीजतट बीजे देव कोसी मोरा जनी बीज चनिता ने चलले गोलुआ सेवाका धोती मोरा बीजताट बीजतात धोती मोरा बीजे देव चननी मोरा तानी बीज वार्ड नंबर 20 में यहाँ पर तो बिहारियों के लिए बहुत मान्यता रहती है। पहले चैती पर इतनी धूमधाम से लेकिन लोग मन्नत पूरी होने के बाद से लोग चैती पर मनाते हैं और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पर्व में कोई भेदभाव नहीं है, सभी महिला चाहे किसी भी जात की हो सब इकट्ठा बैठती हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं और पूजा करती हैं। टोली छोटघाट के पास खड़े हैं, यहाँ हर साल बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत पुराना घाट है ये नुनिया टोली का छठ घाट, यहाँ पर चैती छठ यहाँ हर साल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और जो है सो कि बहुत सजावट यहाँ होता है, श्रद्धा के साथ सभी लोग यहाँ पर अपना जो है सो आस्था प्रकट करते हैं। जी हम लोग अभी गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र के सबसे पुराने छठ घाट के पास हम लोग खड़े हैं और छठ की सभी छठ व्रतियों को हम शुभकामना देते हैं और कैश छठ जो है दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है और यहाँ के स्थानीय नगर परिषद के द्वारा मतलब सारा व्यवस्था किया गया है और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो इसको ध्यान में रख करके एक अलग से अर्घ देने की व्यवस्था की गई है। और सभी छठ व्रतियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ और छठ पूजा की सभी को शुभकामना। जीपीएल न्यूज़ हर खबर आपके साथ।